अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं बल्कि स्मार्ट बिजनेसमैन भी है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। दरअसल कपिल शर्मा का नया सीजन 10 सितंबर से शुरू होने वाला था और उसके लिए कपिल ने गोल्डन गर्ल के साथ पहला एपिसोड भी शूट किया था, जिसकी पिक्चर्स कपिल शर्मा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए थे और ये एपिसोड 10 सितंबर पर टेलीकास्ट करना था। लेकिन जैसे ही 10 सितंबर की तारीख आई तो उस शाम कपिल शर्मा शो के नए सीजन का ओपनिंग अक्षय कुमार ने की। हालांकि पहला एपिसोड गोल्डन गर्ल के साथ शूट किया था, लेकिन फिर भी अक्षय कुमार से शो का ओपनिंग क्यों करवाई। दरअसल हुआ यूं कि अक्षय कुमार हर बार शो को बंद भी करते हैं और ओपन भी वही करते हैं, लेकिन जिस तरह गोल्डन गर्ल का एपिसोड 10 सितंबर हफ्ते को टेलीकास्ट करना था और अक्षय कुमार की एपिसोड संडे को ऑन एयर करना था, तो कपिल ने एक तीर से दो शिकार किया कि अक्षय कुमार की इज्जत भी बच जाए और शो का टीआरपी भी अच्छा आ जाए। अक्षय कुमार की पहले से दो फिल्में ऑलरेडी फ्लॉप हो चुके थे, उसका एपिसोड किसी ने भी नहीं देखना था क्योंकि संडे को एशिया कप था। तो कपिल शर्मा ने अक्षय कुमार की एपिसोड को हफ्ते की दिन टेलीकास्ट किया, जिससे शो का ओपनिंग भी हो जाएगी और टीआरपी भी अच्छा आ जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।